हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन अ प्लांट, ये चैप्टर 20 है। ये है एनआईएस बोर्ड के लिए, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साथ में उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जिनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन अ प्लांट चैप्टर है, ठीक है। चाहे वो CBSE के हों, चाहे UP बोर्ड के हों, चाहे बिहार बोर्ड के हों, इन सभी बच्चों के लिए ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको पता ही है कि दोस्तों की त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बच्चों के हेल्पफुल के लिए जो है हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों का ही है, और साथ में आपको पता ही होगा कि अब इंग्लिश के साथ आपको हिंदी में भी डिस्प्ले होगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। क्योंकि क्या मैंने पहले भी कहा था कि जैसा बच्चा का जो बच्चे कहेंगे, जैसे बच्चे को सुविधा होगा, उसी प्रकार त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर रहेगा। आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है, ठीक है। सब्सक्राइब करना आपके हित में है, इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पर, तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिक्त रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इसे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसके पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवाद ही रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th, 9th, 10th, 11th, 12th CBSE के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ, प्लस जो है NIS बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है सभी सब्जेक्टों का, प्लस जो है BA पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है, प्लस जो है MA के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए, ठीक है। तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। द नेक्स्ट टॉपिक इज सेंसेंस एजिंग ऑफ प्लांट्स। सेंसेंस इज द एजिंग ऑफ प्लांट्स हियर। Like animal plants also have a fixed lifespan and thereafter completing their period they die. Before their death we can observe the several degradation process in their body. You might have to notice the yellowish of the leaves and the fading of flower color in a plant. It is due to the loss of structure and function of organ or the whole plant. Deteriorative process which is ultimately lead to the complete loss of organizations and the functioning of the plants are its parts known as the senescence. Friend, here this is the most important things here. There is a deterioration of processes which ultimately lead to the complete loss of organizations and functioning of the plant are its a part of known as the senescence. And senescence occur due to the deposition of the waste material. There is the occur due to the waste material in the senescence, and in the some plants and whole plant die after the flowering and producing seeds. This is the called to the whole plant senescence. And the example animal plant like a rice, wheat, beans and tomato. In a many other plant part above the soil die each year and the root system stay alive. This is called to the organ or shoot senescence. That is the most important sense of means aging of plant. Here the role of the hormones in the senescence in a plant. There are ascorbic acid is the ethylene promote to the senescence of leaf but a cytokinase delay senescence and the help to the leaves remain green for the long period. There is the most important role for the hormones in the aging of plant.
दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पौधों में विरजनता या वृद्धावस्था या काल प्रभावन। देखिए आप सोचते होगा कि सिर्फ इंसान ही बुढ़े होते हैं या जानवर ही बुढ़े होते हैं, ऐसा नहीं है। पौधों भी कई मायने में वृद्धावस्था को प्राप्त करते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि प्राणियों की तरह पौधे भी एक निश्चित जीवन काल होते हैं और वही जीवन काल में जो है अपना सारे कार्य वो संपन्न करते हैं। उनके पूरे करने के बाद वे मर जाते हैं और मरने से पहले उनके शरीर में कई प्रकार के अवक्षण देखने को मिलता है। आपने यह भी ध्यान दिया होगा कि पौधों में पत्तियां पीली पड़ जाती है जब वो वृद्ध अवस्था में चली जाती है, और कभी कभी ये सब जो होता है हार्मोन की वजह से भी ऐसा देखने को मिला है, या कभी सर्द ऋतु आती है तो उसमें भी पत्ते जो होते हैं पीले पड़ जाते हैं। लेकिन कहते हैं कुछ भी हो, इनकी एक वृद्ध अवस्था आती है जहाँ पर ये अपनी सारी क्रियाओं को त्याग देते हैं। कहते हैं फूलों के रंग फीके पड़ने लग जाते हैं और पौधे उनके भाग छीण संबंधी सभी जो प्रक्रियाएं जिनमें संगठित और क्रियात्मक सभी प्रकार की क्षति शामिल होते हैं विनयता कहलाता है। यानी जिनमें संगठनात्मक क्रियात्मक सारे प्रक्रियाएँ होती हैं उसी को ही हम कहते हैं सेंसनेंस कहते हैं, यानी जीवंता कहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात रखता है जो कि इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों कहते हैं अगर कोई पौधा है तो वो एक वर्ष में बहुत सी क्रियाओं से गुजर जाते हैं। मान लीजिए कोई वृक्ष है तो एक वर्ष के दौरान जो है कई सीजनों से उनका सामना होती है और उनके पत्ते पीले पड़ के सारे झड़ भी जाते हैं और फिर दोबारा से हरियाली आ जाती है। तो कहो कि पौधे जो है एक नेचर का एक सबसे अनोखा बनाया हुआ एक चीज़ है जिसको आप समझना आप लोगों के लिए संभव ही नहीं है, और शायद मनुष्य ने इस बात को समझा ही नहीं है, तभी तो आए दिन पेड़ पौधों को इस प्रकार काट रहे हैं जैसा उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो पौधों में देखिए दोस्तों जो है कहते हैं ना कुदरत ने बहुत अनोखी बात बनाई है, वो ये होती है कि ये हर साल एक नया यौवन को प्राप्त करते हैं, नया उनमें फुर्तीली होती है, नया उनके जोश होता है। लेकिन इंसान जो होते हैं एक समय अवधि तक ही जो यंग रहते हैं, लेकिन पौधे जो है हर साल एक नए पत्ते के साथ, नए यौवन के साथ, नए हरियाली के साथ, नए फूल के साथ जो है उदय होते हैं। ठीक है, तो ये नेचर का सबसे ही इम्पोर्टेंट बात थी, शायद ये बात आपको पता भी ना हो, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों कहते हैं प्लांट और इंसान कई मायने में सामान्य ही होते हैं, लेकिन फिर भी जो इंसान है पौधों को तो इस प्रकार काटा जा रहा है जैसे कि उसका कोई अपना अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन शायद इंसान ये बात भूल गया है कि आने वाला समय में पौधे उसके साथ ऐसी दुर्दशा करेगा तो शायद इंसानों को कभी समझ में भी ना आया हो। तो क्योंकि समय जो है बदल रहा है और समय के बदलते हुए रूपों को जो है हमें भी बदलना चाहिए और हमें भी इस बात को एहसास होने की आवश्यकता है। कहते भी रहते हैं वज्य पदार्थों का संग्रह करण आती है। देखिए जो वज्य पदार्थ होते हैं पौधों में भी बहुत से वर्ज्य पदार्थ होते हैं, वेस्ट मटेरियल्स होते हैं। आप सोचते हो कि पौधों में क्या वेस्ट मटेरियल्स है, तो आप थोड़ा गेस करो क्या हो सकता है वेस्ट मटेरियल। ठीक है, मुझे पता अगर जिन बच्चों को पहले पता हो जाए वो कमेंट करके मुझे भी सब फटाक से बता दें, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा क्योंकि ज़रूरी है। देखिए वर्ज्य पदार्थ के रूप में जो वेस्ट मटेरियल्स के रूप में आता है, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो उनका वेस्ट मटेरियल्स होता है। और आपने पौधों में गोंद भी निकलते हुए देखा होगा, ठीक है, गोंद जो निकलती है पौधों में वो उनका बेस्ट मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, जो पौधे निकालते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि इसका क्या बेस्ट मटेरियल्स होगा, तो मैंने कहा था ना कि पौधों के बारे में और इंसान के बारे में कई मानने में सब कुछ सामान्य ही दिखते हैं। ठीक है, तो उनके भी बेस्ट मटेरियल्स होते हैं, वो गोंद के रूप में होते हैं। आपने देखा होगा कोई पौधे में जो गोंद के रूप में जो चिपचिपाहट सा निकलता है वही उनका जो होता है बेस्ट मटेरियल होता है। कोई भी पौधे में देख लेना, हम लोग जब बच्चे थे तो उसको गोंद को लेके हम किताब उताब चिपकाया करते थे जो जनरली हमें नॉलेज है इस बात की। ठीक है, तो शायद आप लोगों ने ना देखा हो लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि पौधे भी वेस्ट मटेरियल्स को उत्कृष्ट करते हैं, बाहर निकालते हैं। ठीक है, कुछ पौधों में पुष्पण और बीज उत्पन्न करने के बाद संपूर्ण पौधा मर जाता है। आपने देखा होगा छोटे छोटे पौधे जो होते हैं वो कुछ ही समय अवधि तक मर जाते हैं, लेकिन बहुत बड़े पेड़ जो होते हैं कई साल तक जीवित रहते हैं। ठीक है, पौधा का जो होता है साल चक्र एक ही साल होता है। कहते हैं पौधा बनता है, उसमें फूल आती है और उसमें फल लगता है और वो मर जाती है। जैसे इंसान में भी यही होता है कि इंसान भी जन्म लेता है, ठीक है, यौवन को प्राप्त करता है, सारी बच्चों को जन्म देता है, प्रक्रियाएं होती है, फिर जाके वृद्ध होता है और वो ख़त्म हो जाता है। तो यही प्रक्रिया कहते हैं हर जीव जंतुओं में आपको देखने को मिल जाएगा। इस संपूर्ण पौधे की विविधता ही कहते हैं, यानी सारे कार्य को सेंसनेंस के नाम ही दिया गया है। उदाहरण के तौर पर वार्षिक पौधे जैसे चावल, गेहूँ, सेम, टमाटर आदि बहुत से पौधे ऐसे जिनमें ऊपरी भाग हर साल मर जाते हैं और जड़ तंत्र जीवित रहता है, उसे हम अंग जीवंता दर्शाते हैं। यानी अंग
जीवंतता को दर्शाते हैं, जिनके जड़ जो होते हैं जीवित रहते हैं, बेसिकली पौधे मर जाते हैं लेकिन जो जड़ होते हैं वो जीवित होते हैं। अब इस तरह का जो है कई पौधे और भी देख सकती हो जिसमें ये सारी क्रियाएं होती है। मान लीजिए कोई बैंगन का पेड़ है, अगर आप उसको काट भी देते हो फिर मौसम के साथ उसमें फिर से कलियाँ जाती है और फिर से वो फूलने फलने लग जाती है, तो इसी को कह सकते हो अर्घ जीवंतता भी कहते हैं। कहते हैं जीवंतता से हार्मोन की भूमिका। देखिए ये जो संश्लेषण होती है उसमें हार्मोन की क्या भूमिका है, कहते हैं सारी क्रियाएं जो होती है हार्मोन के कारण ही संभव हो पाती है, क्योंकि इसमें जो है एब्सिडिक एसिड और एथालिन्स पत्तियों के विनेता को बढ़ाते हैं लेकिन साइटोकाइनिन जो है विनेता को रोकती है और पत्तियों को काफ़ी समय तक हरा रहने में मदद भी करती है। तो कहते हैं जिस प्रकार इंसानों में हार्मोन का अपना विशेष महत्व होती है सेम वैसे ही पौधों में भी हार्मोन का विशेष महत्व रखता है। हार्मोन के रिगार्डिंग जो है एक वीडियो बना हुआ है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें हमने हार्मोन के विषय में सारी बातों को जो है डिस्कस किया है और सारी बातों को जो है एनालाइज करने की कोशिश किया है कि हार्मोन का क्या उपयोग, हार्मोन क्यों पौधों के लिए इतना ज़रूरी है और उस पर कौन से भाग पर किस हार्मोन का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके विषय में हमने सारी चर्चा किया है। तो जो है पिछला वीडियो जो देखना आप नहीं भूलना, उसको ज़रूर देख लेना। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज अब्सॉर्प्शन। फ्रेंड अब्सॉर्प्शन मीन अ शेडिंग ऑफ। You might have a notice where a leaf become old, it is a separate from to the plant. The body has fall down. Again, to ribs, fruits and older flower also become a separated from to the plants. This detachment of the older plant part of organs from to main plant body is called absorption. Absorption is the most important for the plant. There is a wrapping of fruits and the flowers and separating on the plant. In a plant, the layer of tissue generated from to the absorptions is a zone at the base of the petioles of their leaves or flower of fruits, and the cells of this layer become a soft and weak due to destruction of middle lamella and the cell wall. So the organ easily detached by winds and rainfall. Plant hormones like abscisic acid, ethylene, a promoter leaf absorptions and xylene prevent it. दोस्तों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आया है, विलंगन यानी झरना यानी अब्सॉर्प्शन। देखिए आपको पता ही होगा कि जब पत्तियाँ पुरानी हो जाती है तो क्या होता है, वो गिर जाता है, झर जाता है। तो यहाँ पर कई कई हार्मोन भी इफेक्ट करते हैं जिसकी वजह से पत्तियाँ जो होती है सॉफ्ट बन जाती है और गिर जाती है, क्योंकि हार्मोन के रिएक्शन से ही ऐसा संभव होता है। ठीक है, ये पौधे अगले कहते आगे हो जाते हैं और गिर भी जाते हैं, मर भी जाते हैं, कुछ इसमें सभी चीज़ आपको देखने को मिलता है। मुख्य शरीर से पुराने भागों में इस प्रकार के अलग होने की प्रक्रिया को ही हम विलंगन कहते हैं यानी अब्सॉर्प्शन कहते हैं, यानी पौधों से अलग जो इनके पत्ते होते हैं अलग हो जाते हैं, इसी को ही हम विलंगन के नाम देते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रखता है बात। यहाँ पर कहते हैं पौधों में पत्तियों के मुख्य अथवा जो पुष्प और फल के पुरेतों के पीछे अक्सर उत्को की एक परत विलंगन क्षेत्र बना हुआ होता है। अगर आप ध्यान से पत्तों में देखोगे और पुष्पों में देखोगे और फलों में तो आपको जो है एक उतक दिखेगी जिसको विलंगन क्षेत्र भी कहते हैं। कोशिकाओं की यह परत नर्म और कमजोर होने के कारण मध्य पटिकाएं और कोशिका भित्ति नष्ट हो जाती है। आपने देखा होगा कि कोई फल जो होता है पेड़ से टूट के गिरता है तो वहाँ पर जो होती है धीरे धीरे वो कमज़ोर होती चली जाती है। ठीक है, और जब वो कमज़ोर हो जाती है तो वो गिर जाती है। अगर आपको इस एक्सपेरिमेंट को दर्शाना है तो आप एक बगीचे में जाइए, वहाँ पर आप देखिए कि एक कच्चा जो लीफ होती है वो कितनी टाइटली पकड़ रखी होती है, लेकिन एक पीला परा हुआ पत्ते को आप देखना कि जैसे आप छुओगे वैसे फटाक से वो अलग हो जाएगा। तो इसी चीज़ को जो है विलंगन कहते हैं और यही कमज़ोर होने के कारण बनता है और पत्तियों जो है कमज़ोर बन जाता है, फल में भी ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है जो आप अपने घर के आसपास या गमले में लगा हुआ पौधों को भी देख सकते हो जो कि आपके घरों में प्रेजेंट होती है। तो इसमें आप देखना कि जो पीले पड़ जाते हैं पत्ते वो बिल्कुल ही उनकी जो है बॉडी से बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं, तो उसको हल्का का सा भी हवा हुआ चलता है तो फटाक से जो होते हैं ये आसानी से अलग जाते हैं। यानी ये पत्तियाँ जो होती है जब हवा थोड़ा तेज़ चलता है या वर्षा होती है तो बहुत आसानी से जो होता है पेड़ों से अलग हो जाता है, लेकिन जो कच्चे पेड़ थे, लीफ थे, कच्चे पत्ते थे वो नहीं गिरते क्योंकि उसमें जो है हार्मोन अभी रिएक्ट कर रहा है और उसको काफ़ी मजबूती से पकड़ा हुआ है। कहते हैं पादप हार्मोन जैसे एब्सिलिक एसिड
और एथिलीन्स पत्तियों के विलंगन को बढ़ावा देती हैं। तो याद रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एब्सिनिक एसिड होता है और एथिलीन्स जो है पत्तियों में यानी झरने के लिए काफ़ी बढ़ावा देता है। ये दोनों हार्मोन जो है काफ़ी जो है प्रोत्साहित करते हैं पत्ते को झरने के लिए। लेकिन ऑक्सिन जो होती है, ऑक्सिन के बारे में हमने पढ़ा था कि ये पत्तियों को झरने से रोकता है, यानी कई हद तक अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो कुल इन्हीं हार्मोनों की वजह से ही ऐसा रिएक्ट देखने को मिलेगा आपको। तभी तो कहते हैं कि जो प्लांट में है वही मनुष्य में है। सिर्फ इंसानों को इनकी गहराइयों को और इनके रहस्य को समझने की आवश्यकता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेस फैक्टर। द स्ट्रेस फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन अ प्लांट एंड व्हाट हैपन इफ यू डू नॉट सप्लाई वाटर टू द पोटल प्लांट फॉर 4 to 5 days। व्हाट हैपन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर। You may be observed that the leaves went down and the plant is wilted. Here, due to the lack of water, usually life process of plant are disturbed. We can say that the plant is facing stress in its life. There is a stress factor. And this may be a call to the biological stress. It is called to the biological stress. Not only water, there are a number of factors responsible for the causing stress in plant, like temperature, salt, shade, light and pollutions. There is a main factor of strain in a plant. There is a temperature, salt, shade, light and pollutants, and also the water is a main stress factor on a plant. The any change in the environment condition that may be absorb the effect their growth of development in a plant is called biological stress. There is a biological stress is more important for the plant. The change in the environment condition, the stress is coming in plant, there is environment condition that is called the biological stress. The effect that are produced in a plant as a result of a stress is called strain. In the above example, we are into the leaves and the wilting of plant are strain here. The one factor is here, so the reaction of plant facing the stress is called strain. That is the most important thing here. So the reaction of plant facing the stress is called strain. Here, types of stress. What do you mean to types of stress? There are the variety of stress for which a plant are exposed. Some common stress are water stress, salt stress, and let's know the detail about them. And the first of all is the water stress. What do you mean to the water stress? The water stress is include both excess of water flow and the scarcity of the water draft. And deficiency of water in a plant make the leaves yellow and their well. There are various processes of plant like a photosynthesis and respiration are reduced. Cell engagement and check the cell size and deformity and the cell rigidity. Lost due to deficiency of water and flooding of excess amount of water in a soil and reduce the root and short and the growth there is the causing of blackenings of the root tips and the yellowish of the leaves. There is a water stress. There is a water stress is the present in all types of plant, and the salt stress also is important for here. The salt stress occur mainly due to the presence of excess amount of calcium and sodium salt in the plant body. There is a salt stress is a mainly presence of amount of calcium and sodium salt in a plant. It is a dehydration of the cell. That is causing a dehydration of the cell. And change the shape of the cell is a disturbance is the metabolic process. There is disturbance of all types of metabolic process here. And the cell growth well as a growth and the development of plants are regarded. देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे समक्ष आया है, दबाव कारक, स्ट्रेस फैक्टर। देखिए स्ट्रेस जो होती है, आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ इंसानों में स्ट्रेस होती है? इंसान ही बड़े बड़े चीज़ों के लिए स्ट्रेस लेती है या इंसान में ही सारी क्रियाएं होती हैं? तो ये संभव नहीं है कि इंसानों में हो, पौधों में भी स्ट्रेस होती है। देखिए स्ट्रेस कई कारणों से हो सकती है, कई तरीक़ों से हो सकती है। इंसानों में भी स्ट्रेस होती है, जैसे स्ट्रेस की बात ये होती है कि मान लीजिए कि जैसे कि मैं ही आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा जो यही लक्ष्य है कि मैं उन बच्चों तक पहुँचूँ जो कमज़ोर हैं, ठीक है, जिनसे मुश्किल पड़ता है समझना, ठीक है, और बड़े बड़े जो हाईफाई इंस्टीट्यूटों के जो इंग्लिश होती है वो भी समझ में उनको नहीं आता है, तो भी जो है मैं देसी लैंग्वेज में, देसी वर्डों में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि देखिए अगर आप बड़े इंस्टीट्यूटों में समझने जाओगे तो आधा इंग्लिश पढ़ने पड़ेगी और आधा इंग्लिश पढ़ने ही नहीं पड़ेगी आपको, तो समझ ही नहीं आएगा। लेकिन कोई अपना आपके
आपके ही लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता है तो वो आप पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, चाहे उसकी प्रोनाउंसिएशन जैसी हो, आपको सिर्फ समझाने से मतलब है। तो आप इसी स्ट्रेस में रहते हो कि भाई मैं कैसे समझूँ क्या होता है। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कि शुरू शुरू में क्या करते हैं, कोई भी मेडिकल हो या अकाउंट्स हो, कोई भी सब्जेक्ट जो इंग्लिश मीडियम में होती है उसको फटाक से ले लेते हैं अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन जैसे वो स्कूल में जाते हैं वहाँ टीचर इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं, वहाँ इक्का दुक्का बच्चे भी इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं, तो वो अपने आप को काफ़ी कमज़ोर महसूस करते हैं कि शायद मैं कमज़ोर हूँ और मुझे ये नहीं आएगा। और टीचर भी क्या करते हैं, मोटिवेट कर देते कि बच्चे तुम हिंदी मीडियम में थे, आप इंग्लिश में नहीं कर पाओगे, ठीक है, आपको इंग्लिश नहीं आती है, आपको प्रोनाउंसिएशन तक भी नहीं आती है, तो आप ये मेडिकल को छोड़ दो चाहे अकाउंट्स को छोड़ दो। लेकिन मुझे पता है कि वो बच्चा करने वाला था, लेकिन उसको थोड़ा सा गाइडलाइंस की आवश्यकता थी, मेहनत की ज़रूरत था, क्योंकि मेरे पास बच्चे आते हैं, ऐसे ही बच्चे मेरे पास आते हैं, लेकिन मैं उनको हमेशा कामयाबी की सीढ़ी पे पहुँचा के ही दम लेता हूँ, ये मेरा रूल है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ उन बच्चों को भी ये मैं कार्य करके दिखाऊँ जो बच्चे मेरे से दूर हैं, जिनको जो है अच्छे सोच की ज़रूरत है। तो मैं यही टीचरों को कहता हूँ कि जो भी बच्चे आपके पास आए, चाहे कमज़ोर है जो मर्जी, उनको अच्छे से अच्छे गाइडलाइंस दो, समझाएं कि बच्चे आप कर सकते हो लेकिन इसमें मेहनत की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे विश्वास है ये बच्चा आगे अगर बढ़ेगा ना, आगे अगर पढ़ के आगे निकलेगा तो वो सबसे अच्छा डॉक्टर बन सकता है, सबसे अच्छा साइंटिस्ट बन सकता है। क्यों? क्योंकि उसने हर एक जो है समस्याओं का जो है उसने जो है फेस किया है, क्योंकि उसको सुविधाएँ नहीं थी फिर भी वो आगे बढ़ा है। इसका मतलब ये सबसे बेस्ट बनेगा और ये बेस्ट जो है हमारे देश की भविष्य के लिए आधार बन सकता है। इसलिए मैं कभी भी किसी बच्चों को ये नहीं कहता कि आप नहीं कर सकते। अगर आप समझने की क्षमता है, याद करने की क्षमता है, तो आप 100% कर सकती हो। तो इसीलिए त्रिपाण सेंटर जो है उन बच्चों तक पहुंचने की कोशिश करना चाहता है जिन बच्चों की ये वीडियो की ज़रूरत है, क्योंकि उनके ही लैंग्वेज में, उनके ही वर्डिंग में समझाने वाला यहाँ कोई नहीं है। सब अपने जो है अपने अपने विदेशी लैंग्वेजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़े इंस्टीट्यूट में जाओ, ऐसे इंस्टीट्यूट में जाओ, बड़े बच्चों से मुलाकात करो जो बड़े बड़े हाईफाई स्कूलों में पढ़ते हैं, वो भी आपको यहाँ पर गलत साबित करने की कोशिश करते हैं कि आपका प्रोनाउंसिएशन ये है, वो है, फलाना है, टिमका है। लेकिन मेरा एक उद्देश्य है कि जो चीज़ आपको समझ में आ जाए, जो आपको पल्ले पड़ जाए, समझिए आप उससे बेस्ट हो, इंग्लिश से भी बेस्ट है। तो इसलिए आपको जो है त्रिपाण सेंटर का हाथ बनना है और सहयोगी बनना है। तो इसके लिए आपको कुछ भी खास नहीं करने की ज़रूरत है, सिर्फ इतना करना है कि अगर आप वीडियो अच्छा लग गया है तो इसको क्या कीजिए, इसको कॉपी कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे कुछ समय के लिए लगा दीजिए। अगर यही बात कोई और बातों में होती, कोई गाना लगाने की होती, तो फटाक से आप लगा देते हो, लेकिन ये दोस्तों किसी बच्चों के आपके थ्रू हेल्प हो जाएगा। तो देखिए ये कितना बड़ा कार्य होगा, ठीक। कहते हैं ना कुछ चीज़ें जो होती है आपकी वजह से भी अच्छा बन जाता है। मान लीजिए वीडियो उनको मिल जाता है और वो प्लस टू प्लस वन बायोलॉजी अच्छे से करके वो अच्छे से निकल जाते हैं, तो आने वाला समय में कुछ अच्छा डॉक्टर बन जाएंगे या कुछ अच्छा ही कुछ अच्छा बन जाएंगे। तो वो आप अगर आप कभी जाओगे कुछ कराने जाओगे तो वो अच्छे से आपको इलाज करेंगे। यानी आपका जो है एक आपका जो व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाने की वजह से देखिए कितना कुछ चेंज हो गया। तो सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है कि सोचने वाला यहाँ काम है नहीं, विचारने वाला काम है नहीं, सिर्फ इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे जो है आप पेस्ट कर दीजिए और आगे बढ़िए। अब देखिए ये स्ट्रेस तो मैंने आपको कम कर दिया, लेकिन पौधों में ये स्ट्रेस कम नहीं हो रही है। अब देखिए कैसे, दबाव कारक क्या होती है, आपको पता ही है कि पौधे भी बहुत स्ट्रेस से गुजरते हैं। जब उनको पानी नहीं मिलता है, जब उनको धूप नहीं मिलती है, तो आपने देखा है वो कैसे चटपटाते हैं, ठीक है, और दिन भर वो धूपों को सहते हैं तो देखते हो सारे दिन में मुरझा से जाते हैं, यानी कितने स्ट्रेस था उनको। हम भी ऐसे ही होते हैं कि जब हमें काफ़ी स्ट्रेस हो जाती है तो हम भी एक मुरझाए हुए नज़र आते हैं, हमारे बॉडी में काम नहीं करता हमारा, हम बिल्कुल आलस्य हो जाते हैं। तो पौधों में ही सेम कंडीशन देखने को मिला है। कहते हैं क्या होगा यदि आप गमले में लगे हुए पौधों में 4 या 3 दिन तक पानी नहीं डालो। आपने देखा होगा कि पत्तियां झुक जाती है और पौधे मुरझा सी जाती है। पत्तियों की कमी के कारण पौधों का सामान्य जीवन प्रक्रिया बाधित होती, क्योंकि जो क्रिया सब दिन होती रहती है अगर एक दिन ना किया जाए तो जनरल सी बात है कि उसके जो कार्य जो करने की क्षमता थी उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर देखने को आपको मिलेगा। हम कहते हैं कि पौधे अपने जीवन दबाव को झेल रहा है, इस जो है जैविक दबाव कहा जाएगा, यानी इसको बायोलॉजिकल जो है प्रेशर कहा जाएगा, स्ट्रेस कहा जाएगा, केवल पानी की नहीं बल्कि वह कारक दबाव को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होती है। जैसे और भी कारण हो जाते हैं, जैसे तापमान हो गया, नमक हो गया, छाया हो गया, प्रकाश हो गया, प्रदूषक हो गया। आप इतने प्रदूषण कर रहे हैं तो आपको कभी सोचा है कभी ये पेड़ पौधों को कितना दर्द होता होगा, कितना नुकसान होता होगा? शायद नहीं सुने होंगे, क्योंकि पेड़ पौधे के दर्द तो कोई समझता ही नहीं है। आप हंस रहे होगे कि पेड़ पौधे को कोई दर्द होता है,
नहीं दोस्तों, ये गलतफहमी में हो। कहते हैं अगर पेड़ पौधे लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में सारी क्रियाएं होती है जो इंसानों में होती है। आप पेड़ को काटते हो तो भी वो रोता है, तो उसको भी दर्द होता है। जैसे कोई जो है किसी जीव को हत्या करता है, ठीक है, तो उसको भी दर्द होता है, लेकिन क्या करे बेचारा, वो एक कमज़ोर है, तभी तो जो है ताकतवर ने उसको काट दिया। तो यही सिचुएशन पेड़ पौधों को भी होती है। जब आप पेड़ उनके टहनियाँ काटते हो ना, और या आप लोग उसके साथ गलत करते हो या प्रदूषण फैलाते हो या कुछ भी करते हो, तो उनको बहुत ही दर्द होता है। वो गुस्सा दिखाना चाहते हैं लेकिन फिर भी गुस्सा नहीं दिखा सकते, लेकिन कहते हैं उसके हेल्प के लिए कुदरत कुछ ऐसा कर देता है कि इंसानों को भी सबक सिखा देता है। तो यही बात यहाँ बताने की कोशिश करता है कि दबाव कारण जो है स्ट्रेस फैक्टर जो होती है, तापमान भी हो सकता है, नमक भी हो सकता है, छाया प्रकाश प्रदूषक आदि भी हो सकता है। कहते हैं पर्यावरण दशाओं में कोई भी बदलाव जिससे पौधे की वृद्धि और परिवर्तन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है जैविक दबाव कहलाता है, यानी इसको बायोलॉजिकल जो है स्ट्रेस कहते हैं। क्या जब उसके परिवर्धन यानी बढ़ने में या किसी प्रकार की क्रिया करने में जो बदलाव होते हैं उन सबको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल स्ट्रेस यानी जैविक दबाव कहते हैं। एक ऐसे प्रभाव को जो पौधों में दबाव के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं उसे तनाव कहते हैं। देखिए कोई चीज़ की कमी या कोई चीज़ की प्रॉब्लम होती है तो वही चीज़ तो तनाव होती है। इंसानों में ऐसे होता है, कोई चीज़ आपको नहीं मिलता है, आपको कोई इंसल्ट कर देता है, ठीक है, आपको कोई गलत कहता है, तो आप स्ट्रेस में आते हो कि नहीं मेरे से ये सब नहीं होगा, मैं छोड़ दूंगा। लेकिन कहते हैं ना जो संघर्ष करके आगे बढ़ता है कामयाब वही होता है। आप एक चींटी को देखना, अगर वो लक्ष्य पे चलना चाहता है तो कई बार गिरता है, लेकिन फिर भी अपना जो लक्ष्य उसने निर्धारित किया है उस पर जरूर जाता है। तो इसी बात को यहाँ बताता है कि ये सब तनाव होते हैं। ऊपर दिए उदाहरणों से पत्तियों का झुकना और पौधों का मुरझाना सब तनाव ही होता है, ठीक है। एक फैक्ट की बात यहाँ आती है कि इसलिए पौधे जिस दबाव का सामना करते हैं उसको हम तनाव भी कह सकते हैं, यानी जो स्ट्रेस से गुजरती है वो एक तरह से तनाव भी होता है। कहते हैं यहाँ पर अगर दबाव देखोगे तो दो प्रकार के होते हैं जो जर्नली पौधों में देखने को मिला है, ठीक है। इसका पहला जो होता है जल दबाव, दूसरा होता है लवण दबाव। देखिए जल दबाव तो आपको पता है कि जर्नली पौधों को सहन करना ही पड़ता है। जल दबाव में पानी की अधिकतम बाढ़ और पानी की कमी दोनों को ही शामिल किया जा सकता है, क्योंकि अधिक पानी दोगे फिर भी पौधे जो है जीवित नहीं रह सकते और स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा, और कम पानी दोगे फिर भी जो है वो स्ट्रेस को ही जाएंगे। पौधे में पानी की कमी पत्तियों के पीला बना देता है। आपने देखा होगा कि पौधे में अगर पानी की कमी पड़ जाती तो पत्तियाँ जो होती है पीला पड़ जाता है और मुरझा सी जाती है। पौधों की विभिन्न प्रक्रिया जैसे प्रकाश संश्लेषण और श्वसन कम हो जाती है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगी तो भोजन कैसे बनाएगी, और श्वसन कम भी होगा तो हमें ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा, तो ये सारी क्रियाएं जो होती है बाधित होती है। कोशिकाओं का अधिकरण रुक जाता है, यानी कोशिकाओं की जो क्रियाएँ होती है तो रुक जाता है। जैसे मान लीजिए आप खाना वाना ना खाएँ तो आपके बॉडी की क्रियाएँ भी रुक जाती है। तो सेम यही कंडीशन जो होता है पौधों में ही देखने को मिला है। कहते हैं कोशिका का आकार विकृति हो जाती है, यानी कोशिका का आकार बदल जाता है, काफ़ी विकृत हो जाती है, यानी कॉजिंग डिसीज़ हो जाती है, और कोशिकाओं की दृढ़ता पानी की कमी के कारण कम भी हो जाती है। बाढ़ या पानी की अधिकता जड़ और प्रवाह की वृद्धि को मृदाओं में कम कर देती है। देखिए पानी की अगर बढ़ोतरी होगी या कम होगा तो जो इनके जो प्रवाह तंत्र होते हैं, पौधे के जो रूट सिस्टम होते हैं उनको बाधित करते हैं, वो कार्य करना थोड़ा कम कर देते हैं। जड़ों के सिरे काले हो जाते हैं, आपने देखा होगा कि जड़ जो होते हैं काले हो जाते हैं। देखिए कोई पौधा में बहुत पानी डाल दीजिए और कुछ दिन उखाड़ के देखिए, सारे जो होंगे जड़ वो काले दिखेंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी सोच नहीं है, आप चाहो तो घर में भी इसको जमा के देख सकती हो। पत्तियाँ पीली पड़ जाएगी, ये सारी फैक्टर आपको देखने को उसमें मिलेगा। दूसरा है लवण दबाव। देखिए पौधे के शरीर में मुख्यतः लवण दबाव कैल्शियम और जो है सोडियम लवण की अधिक मात्रा उपस्थित होने के कारण होता है, यानी कैल्शियम और सोडियम लवण जो होती है इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। ये कोशिकाओं का निर्जरीकरण और कोशिकाकार में बदलाव चाय प्रक्रिया में रुकावट का कारण भी बनती है, यानी अगर कैल्शियम और सोडियम लवण ना हो तो निर्जरीकरण के चला जाता है या उसके आकार में दबाव का उत्पन्न हो जाता है। तो इससे क्या होता है, इस प्रकार पौधे कोशिका वृद्धि और परिवर्धन रुक सी जाती है, यानी वो आगे क्रिया नहीं कर पाती है।